हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे महान साइंटिस्ट की सफलता की कहानी जो कि मंदबुद्धि कहलाते थे। बचपन में उन्हें मंदबुद्धि समझा जाता था, मंदबुद्धि कहा जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, जिन्होंने सारे जगत को अंधेरे से उजाले की ओर ले गए थे। बचपन में थॉमस एल्वा एडिसन को मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत इतना नाम और मुकाम हासिल कर लिया जिसकी चाह हर एक वो इंसान करता है जो कि हार्ड वर्क करता है। बताया जाता है कि थॉमस एडिसन अपने काम को इतने ज़्यादा डेडिकेशन के साथ करते थे कि वो अपना सारा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो था वो अपनी प्रयोगशाला में बिताते थे, जहाँ पे कि वो नए नए आविष्कार करते रहते थे। बल्ब के साथ साथ एडिसन ने सैकड़ों और भी इन्वेंशन किए जो कि दुनिया को उन्होंने गिफ्ट किए। तो आज मैं आपको उनकी सफलता का राज बताऊंगी, सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ एल्वा एडिसन। हमेशा कहा जाता है कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो जी हाँ, एल्वा एडिसन के पीछे भी एक औरत का हाथ था। वो थी उनकी माँ। एक दिन जब वो स्कूल से अपने घर आए बचपन में, तो उनके टीचर ने उनको कुछ कागज़ दिया, कुछ नोट दिया था जो उन्होंने अपनी माँ को दिया और बोला कि मेरी टीचर ने ये नोट दिया है, आप इसको पढ़ो और मुझे बताओ कि इसमें क्या लिखा है। तो उनकी माँ की आंख में आंसू आ गए। इसे पोंछ कर उन्होंने कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही जीनियस है, बहुत होशियार है, पर हमारा जो स्कूल है उसका लेवल इतना हाई नहीं है, तो हम इसे अपने स्कूल में और नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम इसे अपने स्कूल में एजुकेशन नहीं दे सकते। कई वर्षों के बाद जब एडिसन एक फेमस साइंटिस्ट बन गए, तब उन्होंने फोनोग्राफ और इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर लिया था। एक दिन फुर्सत के क्षणों में वो अपनी पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे, पुरानी चीज़ों को देख रहे थे, तो उन्होंने एक अलमारी के कोने में पुराना खत देखा। उन्हें बड़ी एक्साइटमेंट हुई कि इसको खोलकर पढ़ा जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो बचपन का खत था जो टीचर ने उसे दिया था, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा मेंटली वीक है, यानी बौद्धिक तौर पर वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उसे इस स्कूल में हम एडमिशन तो उस स्कूल में हम उसको एजुकेशन नहीं दे सकते। एडिसन कई घंटों तक रोते रहे और फिर अपनी डायरी में लिखा कि
एक महान माँ ने मेंटली वीक बच्चे को ग्रेट साइंटिस्ट बना दिया। हाँ, तो यही होती है पॉजिटिव पेरेंट्स की रियल पावर, वो पावर जो हर बच्चे को, हर इंसान को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो एक मंदबुद्धि बालक हैं, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें खुद शिक्षा दी, खुद पढ़ाया। तो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको कि एक मंदबुद्धि कहा जाता था, उन्होंने कितने ग्रेट इन्वेंशंस किए, आविष्कार किए। तो कोई कुछ भी कहे, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए, तो आप भी थॉमस एल्वा एडिसन की तरह महान आविष्कार या जो आप बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़। प्रेस बेल आइकन वंस। थैंक यू वेरी मच। सेव वॉटर।